एक ओर कहा जाता है कि देश के करोड़ों करोड़ों आराध्य के भगवान हैं श्री राम, और भारतीय जनता पार्टी उन करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत कर ऐसा ड्रामा कर रही है कि जैसा कि लगता है कि राम को हम लाए हैं, जब ये जगदीत है, ये पूरे संसार सब मालूम है, हजारों साल से राम की यहां पर पूजा होती चली आ रही है। और जब राम की हजारों साल से पूजा चली आ रही है तो उससे प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न कहां से उठता है? आप प्राण प्रतिष्ठा, वो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, वहां देश के सारे श्रद्धालु भगवान राम को मानने वाले सारे के सारे करोड़ों करोड़ लोगों को वहां रोक दिया गया था। आयोजक भी भारतीय जनता पार्टी, मुख्य अतिथि भी भारतीय जनता पार्टी, व्यवस्था करने वाले विष्णु परिषद, आरएसएस, इन तीन के अलावा कौन था? वो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, वो कोई सरकारी भी कार्यक्रम नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विष्णु परिषद का कार्यक्रम था। यहां के लोगों को रोक दिया गया जो भगवान राम को आराध्य मानते हैं, उनको रोक दिया गया। देखिए स्वामी प्रसाद क्या क्या बोल रहे हैं इस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता हूं। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। लेकिन पार्टी मना करती तो उसके बावजूद इस तरह के उनके बयान नहीं देते। देखिए कई बार पार्टी ने उनको कहा, लेकिन विक्षिप्त आदमी को उसके लिए जब उस शब्दों का नहीं सुनना है, वो पार्टी के निर्देश को नहीं सुनना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं। परपंच नहीं होना चाहिए, अमल होना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 की 80, देश में 400 पार, यह जनता की आवाज है। समाजवादी पार्टी 2024 में समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। वो कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, उसके कारण सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी हैं, क्योंकि इस पार्टी में कोई भी अगर कुछ बोलता है तो बिना समाजवादी पार्टी के मुखिया के आदेश के नहीं बोल सकता। इसलिए किसी भी प्रकार के बयान के लिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को जिम्मेदार मानता हूं। अगर किसी के बयान से वो सहमत नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर वह कार्रवाई नहीं करते हैं तो जो भी जहरीले बयान आ रहे हैं, जिस भी ओर से आ रहे हैं, जब भी आ रहे हैं, उसके लिए केवल और केवल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जिम्मेदार। किसी की भी धार्मिक आस्था को आहत करने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पर किसी भी व्यक्ति की आस्था को आहत करना अनुचित है।